ये गाना जो है वो बड़ा एक्सीडेंटली गाना हम लोगों ने सोचा, और मैं काफ़ी साल से संजीव जी और अजय जी को जानती हूँ और हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसे ही थॉट जब हम डिस्कस करते थे कि हिंदी गाने, बिकॉज ये हिंदी बॉलीवुड में काफ़ी बड़ा नाम रखते हैं, टी सीरीज और जी म्यूजिक और ऐसे कई अन्य चैनल 16 प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे गाने कर रहे हैं जो रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो ये ख्याल आया कि भोजपुरी का इतना बड़ा आवाम है और हिंदी को भी या बॉलीवुड को भी कभी हिट होना होता है तो भोजपुरी का सहारा ज़रूर लिया जाता है, जो गानों का सहारा लिया जाता है, और हम मानते हैं कि यूपी बिहार में कोई फिल्म हिट है तो ओवरऑल वो फिल्म हिट है। तो ऐसे ही डिस्कशन होने के टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वाई नॉट भोजपुरी सॉन्ग्स। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल इसके बारे में सोचिएगा, एंड देन हम लोगों के इन्वेस्टर ओनर चैनल के हम लोगों के जो थे विक्की चोपड़ा जी, उनको वो आइडिया हमारा पसंद आया, हम लोगों ने सोचा कि लेट्स डू वन चैनल, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने तड़का भोजपुरी चैनल शुरू किया है, और इसमें आज हमारा ये पहला गाना लॉन्च हुआ है, म्यूज़िक आज इसका रिलीज हुआ है, और ये नया चैनल है। सो नया चैनल जब भी आता है तो उसको समय लगता है, थोड़ा सा लोगों को समझने में टाइम लेता है, लेकिन हमारे जितने ऑडियंस है वो इतनी प्यारी ऑडियंस है कि हमारी जो ये न्यूज़ थोड़ी बहुत बाहर गई उसमें ही हम लोगों को बहुत लाइक किया जा रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, और काफ़ी ऑफकोर्स इसमें आप लोगों का भी उतना ही बड़ा हाथ है, क्योंकि आप लोग जब ये सुगंध फैलाते हैं तो भी उन लोगों को पता चलता है कि ऐसा कोई गाना आया है, और आज उसी में अजय जी का बर्थडे है जो वन ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो और सोने पे सुहागा हो गया हम लोगों के लिए सेलिब्रेशन के लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी कि लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं गाना और बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अजय जी के बर्थडे पे भोजपुरी गाने का तड़का लग ही गया है। तो इनको भी बहुत जल्दी गाना चाहिए, इन्होंने कई सारे बॉलीवुड के गाने गाए हैं और अपने चैनल के लिए भी गाए हैं और दूसरे चैनल्स के लिए भी गाए हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत जल्दी भोजपुरी गाना भी हम लोगों के लिए भी गा दे। बिल्कुल, हमारा काफी प्लान चल रहा है, एक्चुअली वही बात कह रहे थे जब तीन क्रिएटिव लोग बनते तो गाना ऐसे बन जाता है। अभी बना दिया एक। हाँ, तो अभी हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे तो एक लाइन आई वायरल, तो बता नहीं सकता, रिवील नहीं कर सकता, बट बातें करते करते अभी एक गाना बन गया, मतलब so, wow, that's awesome. जो एकदम स्पॉन्टेनियस बनता है तो एकदम क्लिक कर, हमें क्लिक करके तो आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट, और लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हम साथ में भी कर रहे हैं, फॉर अस ये हमारा पहला भोजपुरी सॉन्ग है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, एंड हम लोग बहुत मजा आया बनाने में, क्योंकि भोजपुरी सॉन्ग में बीट्स अलग होती है, एवरीथिंग इज सो कैची एंड पीपल रियली लव इट, एंड जब इतनी बड़ी स्टार है उसमें तो फिर बात ही क्या है, एंड इवन समर जी वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड आज पहला दिन नहीं गाना वायरल हो गया, सो वी वेरी वेरी हैप्पी। सर सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनका बर्थडे है और आपकी जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर वाली जोड़ी जो पहले से चली आ रही है, कल्याण जी आनंद जी से लेके अब तक और जोड़ी नया में आप लेके आए, हमेशा जुड़ी हमारे से, ये प्लान नहीं था कि इनका बर्थडे पे लॉन्च करें, वो तो सडनली ऐसे हुआ कि हमारे डेट प्लानिंग हुई और इनकी बर्थडे हमको आज ही पता चला कि ये कोइंसिडेंट एक्चुअली है। इनफैक्ट हम लोग कल प्लान कर रहे थे और प्रॉपर प्लान वही चल रही थी, लेकिन होता ना जब उन्होंने कुछ सोचा है तो होना उनके हिसाब से ही हम बड़ी प्लानिंग करें। भोजपुरी में जो सिंगर्स हैं, चाहे समर सिंह साहब हो या और खेसारी जी, पवन जी, और भी सिंगर्स हैं, अमेजिंग सिंगर्स हैं, बहुत डिफरेंट टोन है, एनर्जी लेवल बहुत अलग है उन लोगों की, एंड वी आर एक्साइटेड एंड लकी कि हमने समर जी के साथ में ये गाना किया, बाकी जी और समर जी की जो केमिस्ट्री है कैमरा पे ऑन जी इतनी प्यारी नज़र आई है कि हमने प्लानिंग किया आपके सामने भी बताना चाहिए कि हम समर जी को और रिक्वेस्ट करेंगे, हम और रिपीट करेंगे गाना एक और इन दोनों की जोड़ी के साथ में, हालांकि बाकी जी ऑलरेडी इतनी बड़ी स्टार है भोजपुरी की, हमारे अभी इनके साथ भोजपुरी के और गाने बैक टू बैक, कुछ गाने डब हो गए हैं, कुछ गाने अभी शूट पर जा रहे हैं, तो ब्लेस्ड कि वी आर वर्किंग विद पाकी जी, इनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत होती नहीं है पाकी जी को, पर जब हमको मौका मिला कि हमको भोजपुरी इंडस्ट्री जाना है तो ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तो हमने सबसे पहले अप्रोच किया कि पाकी जी भोजपुरी गाने बनाने हैं, आप सजेस्ट करो, तो ये लोगों को पता है सिर्फ एक्ट्रेस, ये सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं है, ये बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं, एंड शी इज़ वेरी गुड सिंगर, एंड बहुत जल्दी आप इनके गाने सुनेंगे,
एंड जो हमने जैसे गाना प्लानिंग किया डिस्कस किया तो जो हमारे चैनल के ओनर हैं विकी चोपड़ा साहब दिल्ली बेस्ड हैं, उनका ऑलरेडी हिंदी चैनल है विकी चोपड़ा साहब का, बट जब हम लोगों ने डिस्कशन किया भोजपुरी इंडस्ट्री में हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड अभी सबको पता है भोजपुरी इंडस्ट्री की ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ी बनती जा रही है, वो सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, वो पूरी इंडिया में नहीं है, अब तो विदेशों में भी भोजपुरी गाने सुनते हैं लोग, लाइक करते हैं, अब शूट्स भी बहुत सारे वहाँ पर हो रहे हैं, तो विश के भोजपुरी के साथ जुड़ के हमको बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। कुछ लोगों ने हमको बोला था अरे आप बॉलीवुड करते थे आप भोजपुरी करे हो, तो मैंने बोला भाई साहब ये नज़र नज़र का बात है, हमें अंदर तो बड़ा एक्साइटमेंट है कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ में भी गाने कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छी हिंदी फिल्में जो हिट हुई है उनमें भी कहीं ना कहीं भोजपुरी का तड़का ज़रूर लगा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फिल्म का गाना रहा है दाग फिल्म का गाना मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने सुना है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सो दबंग पिक्चर में वो यूज़ किया गया था, इट्स अ फोक ट्यून, फोक ट्यून कोई भी यूज़ कर सकता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी प्राउड फीलिंग तो ज़रूर आती है कि हर भोजपुरी म्यूजिक को सराहा जाता है, लाइक किया जाता है और यूज़ भी किया जाता है। एंड यूपी में या नॉर्थ इंडिया में जो फोक म्यूज़िक है वो इतना बड़ा फोक म्यूज़िक है, जैसे समंदर से आप एक लोटा पानी ले हो ना, अगर आप वहाँ से कुछ धुन से इंस्पायर्ड होकर गाने बना ले रहे हो ना, आप बड़े लकी हो, वहाँ का जो फोक म्यूज़िक है हमारे गाने में भी फोक का अंदाज़ है एक्चुअली, तो वो बहुत बड़ा फोक है, एंड वहाँ के गाने के साथ में हम लोग जुड़ रहे हैं, तो वी आर फीलिंग दैट वी आर ब्लेस्ड। किस तरह का मूड है पाटिल जी फोटो लेकर बात कर रहे हैं इस गाना है कमरिया वाला? मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारे भोजपुरी में जितने गाने हिट नंबर्स पे या चार्ट्स पे जाते हैं उसमें मुझे सबसे टॉप नंबर पे सुनाई देता था और समझ में जो आया वो पवन सिंह जी का लॉलीपॉप नंबर है, जो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनली भी गाना वो हिट हुआ है, और अगर उसकी भी धुन देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो लड़की की खूबसूरती होती है उसको लेके ज़रूर चर्चा की जाती है, और उसी को लेके एक पेपी नंबर है, लेकिन इसकी ट्यून इतनी कैची है कि वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हियरिंग में ही गाना आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है। सो मुझे लगता है म्यूज़िक हैज़ गॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जब कोई भी गाना होता है तो उसमें ऑफकोर्स वर्डिंग्स जो होते हैं वो काफ़ी हिट कर जाते हैं, और मुझे लगता है हमारे गाने के USP इसका जिस तरीके से संगीत दिया गया है वो है, और जो हुक लाइन है कमरिया ऑटोमेटिक लेफ्ट लाइट करने लग जाती है, तो ये मिस्टिक नॉटी सा गाना है, एक लड़का और लड़की के बीच का गाना है, कि जैसे एक बोलने का तरीका होता है कि आपको लड़के को किसी लड़के से प्यार हो जाता है तो उसका दिल धक धक करने लग जाता है, वैसे लड़की का एक अंदाज होता है कि अगर उसको प्यार हो जाता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, इस अंदाज में उस गाने को लिया गया है, एंड बहुत ब्यूटीफुली उनको वर्ड्स को लिख के उसको म्यूजिक में वो पिरोया गया है, और हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा वो अगर म्यूजिकल सुन भी लेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग चलाएंगे सुनने तो दो सवाल भी करने, अगर बात करें इंटरनेशनल भोजपुरी का जो दर्जा है आज इंटरनेशनल हो गया है और बहुत सारे OTT भी आ गए हैं, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? पहले लोग भोजपुरी फिल्में नहीं करते थे लेकिन परहेज होता नहीं भोजपुरी से आगे कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, आज एक इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्में लड़ना वगैरह में शुरू होती है, दुनिया में मिथ्स बहुत चलता है, हम मान लेते हैं फलाना ऐसा है ढिकाना ऐसा है, और हम मान के अपने आप को जज, इंडिया में जितने जज है ना, इंडिया में दुनिया में सब जगह यहाँ जज बहुत सारे होते हैं और सब निर्णय देते हैं, अपना अपना सबका एक परसेप्शन होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, भोजपुरी में भी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म्स बनी है, ऐतिहासिक गाने बने हैं, एंड भोजपुरी का फिल्में जो है भोजपुरी का जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो खैर किसी भी भाषा का क्यों ना हो है ना, म्यूज़िक अपने आप ही मैजिक होता है, तो अभी भोजपुरी के म्यूज़िक को लोग वहाँ फैला के स्वागत करते हैं कि भैया भोजपुरी गाने, एंड भोजपुरी के काफ़ी गाने ऐसे हैं वो इतने पॉपुलर हैं कि अगर मराठी शादी भी हो रही ना तो वहाँ पर वो गाना प्ले हो रहा है करके, तो भोजपुरी के लिए वेलकम है। आपका जो चैनल है उसके ऊपर क्या भोजपुरी रहेगा? ओनली भोजपुरी, अभी ये जो चैनल बनाया है इस गाने नाम क्या चैनल? भोजपुरी तड़का भोजपुरी। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा जब आप नॉर्थ इंडियन में जाते हो ना वहाँ का जो बातचीत का तरीका होता है, जो रहन सहन की स्टाइल होती है ना, उसमें मस्ती है, वो नेचुरल मस्ती है, वो लोग तो ऐसे लोग हैं मतलब उस साइड में आदमी मतलब गमजदा होते नहीं है, तकलीफ में भी मस्त रहता है, अगर गमछा में भी वो चबूतरे पर बैठा है ना तो वो दुनिया का सबसे रईस आदमी बनकर के बैठा है, तो वहाँ का जो तरीका है बातचीत का, बोलने का, गाने का, हास प्रयास का स्पेस आज के समाज में बड़ा कम है,
अभी ये गाने में जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, थोड़ा एक कमेंट्स भी है, सैटायर भी है, मस्ती भी है, चिलिंग भी है, तो आजकल के गानों में ऐसी चीजें आती है तो और बड़ा मजा आता है। बनाएंगे एक लाइन या कमरिया ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट डोले ला राजा जी, कमरिया ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट डोले ला राजा जी। एंड आप लोग प्लीज इस गाने को जरूर जाके यूट्यूब पे सुनिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। कहाँ पे शूट किया आपने, टोटल बात करिए कहाँ पर शूट किया आपने? हमने ये शूट यूपी में शूट किया, हमने लखनऊ में एक फार्म हाउस है, बहुत अच्छा। पाकी जी का, समर जी का शेड्यूल बहुत टाइट था, तो रोज़ हो रहा था कि कल शूट करेंगे, परसों शूट करेंगे, एंड सब मैंने शूट और अरेंज बाय द पाकी जी एंड समर जी। हम लोग म्यूजिक बना के मुंबई में वेट कर रहे थे कि ये लोग बताएंगे कब, एक दिन का कॉल आया कल की फ्लाइट पकड़ के चले आओ, आज शाम शूट हो रहा है। जनरली टाइटल तो बाद में डिसाइड किया जाता है या फिर इसको चेंज कर दिया जाता है, तो टाइटल के बारे में क्या करें, कैसे सोच कर? नहीं, पहले एक्चुअली हुगलाइन ही बन गई सर, अभी बड़ा नया तरीका है, ये रहस्य है। आप लोग बॉलीवुड का गाना हो या यूपी का गाना हो या कहीं का भी गाना हो, पहले लोग हुगलाइन बनाते हैं, अब फिर सोचते हैं हुगलाइन बन गई, चलो अब गाना बनाते हैं। एंड ये सच है, ज्यादातर गाने ऐसे एक्चुअली आज के टाइम में बन रहे हैं। आजकल जो है हुगलाइन अगर हिट होती है तो गाना तो हिट होना ही है। एंड आप बहुत से गानों को देखना, जैसे पहले क्रिकेट चलता था, क्रिकेट टेस्ट मैच है, फिर वनडे, फिर 2020, तो पहले गाने के 5 अंतरा होते थे, फिर 3, फिर 2। अब आने वाले अभी आज के दौर में आप सब मानेंगे सिर्फ हुगलाइन ही लोगों को याद रहती है, लोगों को मुखला से मतलब नहीं, अंतरा से मतलब नहीं। और मेरे हिसाब से आप जैसे डीजे वगैरह में आप जाते हो ना, मुखला खत्म गाना चेंज हो जाता है, ऐसे लोग यूट्यूब वगैरह पे मुखला हुगलाइन तक ही गाना एक्चुअली सुन रहे हैं। ये कड़वी बात है, मुखला खत्म गाना खत्म, बिल्कुल। लेकर आएंगे यार, ये प्रोड्यूसर तय करेंगे, हमने क्रिएट किया है गाना, पर आई विश गाना ये हिट हो रहा है एंड वो फिल्मों में भी आए। एंड हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं साथ में, जैसे अजय भाई, पाकी जी, मैं एंड हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, कि हम बहुत जल्दी कुछ फिल्म अनाउंस करेंगे, या OTT पर रिलीज करेंगे या थिएटर में, पर हम भोजपुरी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। पाकी जी, क्या उम्मीद है गाने साथ में, क्या थोड़ा बताओ? जैसे हमने इसके पहले एक गाना किया था बंगली निया, और खेसारी जी का वो एक बहुत प्यारा गाना था, और उन्होंने स्पेशली उस गाने के लिए कहा था कि आप इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला गाना आप पे सूट करेगा। सो मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ में कोई एक गाना ऐसा करूँ जो बहुत अच्छा सॉन्ग हो, और एक कंटेंट वाइज दर्शक जो मुझे देखना पसंद करते हैं वो देख पाए उस तरीके से। नॉर्मली 20 दिन हम जब फिल्म में इन्वेस्ट करते हैं तो पूरी फिल्म वो आपकी रूपरेखा बता देती है, लेकिन गानों में बहुत कम टाइम मिलता है आपको अपने आप को दर्शाने का। और जैसे मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं, पर एटलीस्ट 3 मिनट के गानों से भी हम कनेक्टिविटी लोगों के साथ में अपनी रख सके। जो लोग इतना प्यार करते बोलते हैं कि नहीं आप काम नहीं कर रही है, आपको देखना चाहते हैं, तो मुझे था कि मैं कुछ थोड़ा काम करूं लेकिन मेरे ऑडियंस से कनेक्टेड रहूं, तो मैंने ये वाला गाना किया खेसारी जी के साथ में बंगली निया, और ये काफ़ी सराहा गया, और जिस तरीके से लोगों ने उसको प्यार दिया मैं वही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि लोग मुझे इस बार भी वो प्यार और वो दुलार दें। और मेरा समर जी के साथ में ये पहला गाना है, और समर जी ने जब मैंने उनको कहा कि देखिए ये आपका और मेरा पहला गाना है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपको जो लगता है आपके पास बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज हम एक टीम में काम करें, ऐसा कुछ हम लोग वर्कआउट करते हैं और गाना बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे चैनल को भी स्टैंड देगा। एंड नो डाउट पीपल आर लाइकिंग इट, आई एम एन्जॉइंग द सॉन्ग। सब लोग उनका कॉल आ रहा है और बोल रहे हैं कि जितना बंगलिनिया है उसका उसी टाइप का फ्लेवर आप फिर से लाई हो, तो मुझे लगता है थोड़ा देर से हम काम करें लेकिन समझ के काम करें और अच्छा काम करें, जिससे ऑडियंस की जो उम्मीद है हमसे लगी है वो बनी रहे। समर जी का आपने कैसा ट्यूनिंग रहा है? बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग रहा है, समर जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और बहुत अच्छे सिंगर भी है, तो उनमें एक कहीं ना कहीं वो देसी अंदाज जो मैं देखती थी दिनेश जी में रहा करता था, वो सेम टाइप का एक देसी अंदाज में मुझे दिखाई देता है, और मैं 100% सोचती हूँ कि वो एक बहुत अच्छे कलाकार भी है, अब मूवीज़ भी काफ़ी बहुत सारी कर रहे हैं, और लोगों को बड़ा मतलब लोगों का बड़ा प्यार उनको मिलता है। हमने एक दो शोज़ के टाइम पे मतलब मैंने देखा कि ऑडियंस कितना झूमने लग जाती है उनके गानों पे, और उनके काफ़ी सारे गाने हिट है, और उनकी गाने की कहीं ना कहीं एक पंच लाइन में, हुक लाइन में कमर ये शब्द ज़रूर आता है।
तो मुझे लगता है कि उनके हर नंबर वो हिट हिट जाते करके बता रहे थे वो। तो आगे भी आप समर जी के साथ में काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रही हूँ, और हम लोग बहुत जल्दी गाने ही प्लान कर रहे हैं उनके साथ में। अभी गाने हमारे ऑलरेडी बन गए हैं, लिरिक्स रेडी है। तो इस महीने में हमको चैनल के द्वारा कौन कौन से गाने और देखने को मिल सकते हैं? टेंटेटिवली एक खेसारी जी के साथ में गाना, उनका ऑडियो जा चुका है, ऑडियो रेडी है, और शूटिंग अभी ड्यू है। टेंटेटिवली इसी हफ्ते में उसकी शूटिंग होनी है, यही अंदाज़ा हम लगा के चल रहे हैं। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि पवन जी और सभी जितने आर्टिस्ट हैं जो भोजपुरी जो भोजपुरी को एक आयाम दे दिए हुए हैं, उन सबके साथ में हम ज़रूर काम करें। सो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर उनकी उनका टाइम हमको मिलता है, हम लोग जरूर काम करेंगे। हमने कौन सा सवाल है तीनों से, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, सब सिंगर जो है एक्टिंग भी कर रहे हैं, चाहे कल्लू हो, खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, दोनों हाथों में लड्डू लेकर बैठेगा, तीसरे हाथ में चांस नहीं मिलेगा? नहीं समझी आपका सवाल, लड्डू कहाँ काट रहे हैं आप? सिंगर जो है जीरो बनकर आ गए हैं, अभी गाने भी गाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, तीसरे आदमी को चांस नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है आपको, जैसे जब सूरज निकलता है ना, तो बादल कितने भी घने हो, रोशनी जमीन तक आती है। आज के टाइम में किसी भी इंडस्ट्री में जिसके अंदर हुनर है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड आज के टाइम इतना ज्यादा खुल गया मौका, जिसमें भी टैलेंट है वो अपने आप को बाहर ला रहा है, चमक रहा है। देखिए आप आज की वजह से कोई रुकेगा नहीं, एक बार बोला था कि अगर इंडस्ट्री छोड़ देंगे तो बॉलीवुड बंद हो जाए, भोजपुरी बंद हो जाएगा। तीन बड़े स्टार ने भोजपुरी बोला, शायद आपको पता, नाम लेना नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है मैं इन सब चीजों से बहुत डिस्कनेक्टेड रहती हूँ। केसरी लाल, पवन और निरुवा ने बोला था कि अगर इंडस्ट्री छोड़ दे तो भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मुझे लगता है देखिए जो वो बैठे हैं वो इसका डिसीजन वो करते हैं कि कौन आया कौन गया, कौन रहा कौन नहीं रहा, उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है। तो मुझे लगता है हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और हम लोग अच्छा काम करें, अच्छा नाम कमाएं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रादर देन मुझे लगता है हम स्टेटमेंट्स में ना उलझे और इन चीज़ों से थोड़ा परहेज रखें तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा काम बोले, ना कि हमारी कॉन्ट्रोवर्सी। थैंक यू। आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी और क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं? अभी हाल ही में जैसे मैंने कहा कि मेरी एक फिल्म कंप्लीट की है मैंने, तेलुगु फिल्म, उसका नाम है मणिशंकर, और वो रिलीज़ पे है। और दूसरी एक हिंदी फिल्म है जो मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट की है, जिसका नाम है मझधार। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है सूरज परिणय चंदा। और अभी बहुत जल्द आप मेरी काफ़ी सारी महिला प्रधान कहानियाँ, जहाँ पर रियलिटी वाले इश्यूज़ जो होते हैं, मैं उन फिल्मों में काम ज़्यादा करना चाहती हूँ। और ऑलमोस्ट 5 से 6 स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं, तो बहुत जल्दी अच्छी फिल्में जो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है मुझसे, उस टाइप की फिल्में उनको ज़रूर देखने मिलेंगे। अजय जी बात करें कि मैम काफ़ी अच्छा, इट्स लाइक क्रिएटिव वुमन इन द स्टेट टुगेदर, दे ऑलवेज गेट गुड कंटेंट।